नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। और दोस्तों आज मैं आया हूँ टाटा मोटर के शोरूम में नोहर के अंदर। और गाड़ियाँ आप देख रहे हैं दोस्तों, टाटा की टियागो और टाटा की अल्ट्रोज गाड़ी है दोस्तों। दोनों गाड़ियों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, नोहर के अंदर कौन से रेट के अंदर आपको ये गाड़ी मिलेगी और क्या क्या कंडीशन रहने वाली है गाड़ी के, साथ साथ में आपको डिटेल बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंदर आप बने रहें दोस्तों, पूरी वीडियो हमारी देखें ताकि आपको प्रॉपर जानकारी इन गाड़ियों के बारे में मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के साथ साथ में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, आगे शेयर करिए, कमेंट करके आप अपनी राय इन गाड़ियों के बारे में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो को करेंगे स्टार्ट और आपको दिखाएंगे। सबसे पहले दोस्तों टाटा की टियागो गाड़ी खड़ी है, टियागो के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों टाटा की टियागो गाड़ी है, आप देख रहे हैं दोस्तों, और सेकंड बेस ये वेरियंट है दोस्तों, यानी इससे नीचे एक वेरियंट आपको और मिलेगा जो बेस वेरियंट है दोस्तों, और बेस से ऊपर वाला ये वेरियंट है। और इस गाड़ी का नाम आपको बता देता हूँ, सबसे पहले टाटा टियागो XTO के नाम से दोस्तों ये वेरिएंट है, यानी टाटा टियागो XTO, और ये सेकंड बेस वेरिएंट रहने वाला है दोस्तों। और सबसे पहले आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ मैं वीडियो के अंदर ताकि आपको पता लगे। और इसकी तो सबसे स्टार्टिंग जो प्राइस है दोस्तों 5,59,000 रुपये में टाटा टियागो की जो सबसे बेस वेरियंट गाड़ी है, जहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती है, उसकी कीमत 5,59,000 रुपये रहने वाली है। और इस गाड़ी की कीमत 5,99,000 रुपये दोस्तों, एक्स शोरूम प्राइस है गाड़ी के, 5,99,000 रुपये में ये गाड़ी आपको मिलेगी। और कंप्लीट आपको डॉक्यूमेंट होने के बाद ये गाड़ी आपको दोस्तों 7,00,000 रुपये में ऑन रोड ये गाड़ी आपको मिलेगी। ऑन रोड इस गाड़ी का जो प्राइस है वो 7,00,000 रुपये रहने वाला है, और जो एक्स शोरूम गाड़ी का प्राइस है वो है दोस्तों 5,99,000 रुपये। इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है, यानी 6,00,000 रुपये आपको एक्स शोरूम देने पड़ेंगे और उसके बाद लगभग 1,00,000 रुपये आपको और लगेंगे दोस्तों डॉक्यूमेंट के। इसी के साथ साथ में आपको फास्टैग मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा, सभी डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट हो जाएंगे और कंप्लीट गाड़ी आपको 7,00,000 रुपये में मिल जाएगी, टाटा की टियागो। अब आपको दिखाता हूँ दोस्तों आगे से कुछ इस गाड़ी को। सबसे पहले देख लीजिए गाड़ी की जो हेडलैम्प है उसके अंदर आपको हेलोजन बल्ब मिलने वाले हैं गाड़ी की हेडलैम्प में। इसके बाद यहाँ पर फोग लैंप का ऑप्शन दिया गया, लेकिन फोग लैंप नहीं है गाड़ी के अंदर। और गाड़ी की जो ग्रिल है वो बहुत ही शानदार है दोस्तों, यानी कोबरा ब्लैक कलर के अंदर इस गाड़ी की ग्रिल को डिजाइन किया गया है। टाटा का लोगो आप देख सकते हैं, नीचे आपको क्रोम मिलेगा यहाँ पर ग्रिल के नीचे। और इसी के साथ साथ में गाड़ी की जो साइड प्रोफाइल है वो आपको दिखाना चाहता हूँ, साइड से गाड़ी कैसी दिखती है। साइड से कुछ ऐसी आपको नज़र आएगी, टाटा टियागो कोबरा ब्लैक कलर के अंदर आपको गाड़ी का साइड मिरर नज़र आएगा। इसी के साथ साथ में गाड़ी का अंदर से भी इंटीरियर भी आपको दिखाने वाला हूँ, गाड़ी की बैक प्रोफाइल भी आप देख लीजिए दोस्तों, और पीछे से कुछ ऐसी नज़र आएगी आपको। टाटा की टियागो XTO वेरिएंट है दोस्तों, सेकंड बेस्ट गाड़ी का वेरिएंट है ये, और इसकी कीमत मैंने आपको बताई 5,99,000 रुपये आपको इस गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस देने पड़ेंगे। अब आपको गाड़ी के अंदर लेके चलता हूँ और गाड़ी को अंदर से भी आपको दिखाऊंगा ताकि आपको एक एक जानकारी इस गाड़ी की मिल सके। दोस्तों गाड़ी का डोर हमने ओपन कर लिया है और सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर पावर विंडो के कंट्रोल बटन आपको नज़र आएंगे ब्लैक कलर के अंदर, यानी मैट ब्लैक कलर के अंदर गाड़ी का जो डोर है वो आपको मिलेगा। ड्यूल टोन कलर के अंदर गाड़ी का डोर रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पर एक स्पीकर का ऑप्शन भी इस गाड़ी के अंदर मिलेगा। अब आपको दिखाता हूँ गाड़ी का डैशबोर्ड, डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से आपको इस गाड़ी का मिलने वाला है। टाटा टियागो गाड़ी है और मजबूती के लिए गाड़ी मानी जाती है दोस्तों। यहाँ पर आपको जो गाड़ी के एसी के वेंट है वो भी क्रोम फिनिशिंग के अंदर आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। स्टेयरिंग पर आपको माउंटेन बटन नज़र आएंगे, यानी आप अंदाज़ा लगाइए सेकंड बेस वेरिएंट है, फिर भी आपको दोस्तों माउंटेन बटन गाड़ी के अंदर स्टेयरिंग में मिलने वाले हैं। और म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता दोस्तों इस गाड़ी के अंदर, और बाकी सब कुछ आपको इस गाड़ी के अंदर नज़र आएगा। मैनुअल ये गाड़ी रहने वाली है और 5-स्पीड गियर आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। और जो हैंड ब्रेक है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, 2 कप होल्डर आपको गाड़ी के अंदर मिलेंगे, यहाँ पर भी कुछ आपको स्पेस मिलेगा, और एसी के कंट्रोल आपको गाड़ी के अंदर नज़र आएंगे। अब आपको दिखाता हूँ दोस्तों इसकी जो पीछे वाली खिड़की है वो हम ओपन करेंगे और आपको दिखाते हैं पीछे वाली सीट कैसी दिखती है गाड़ी की। तो इस प्रकार से कुछ पीछे का डिज़ाइन आपको गाड़ी के अंदर नज़र आने वाला है। और गाड़ी की जो खिड़की है वो देख सकते हैं, यहाँ पर एक ट्यूटर का ऑप्शन दिया गया है, गाड़ी के अंदर आपको ट्यूटर भी मिलेगा, साथ साथ में एक स्पीकर भी गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। और स्पेशली दोस्तों टाटा की जितनी भी गाड़ियां हैं सभी की जो डोर है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन की गई है,
और बहुत ही अमेजिंग दोस्तों इस गाड़ी का कलर मेरे को लगता है, क्योंकि मेला नहीं होता ये कलर, बहुत ही शानदार कलर के अंदर गाड़ी के डूर है वो डिज़ाइन किए हैं। अब चलते हैं हमारी दूसरी गाड़ी की ओर। दोस्तों टाटा की टियागो आपने देखी, और टियागो के बाद अब मैं सीधा आपको लेके जा रहा हूँ टाटा अल्ट्रोज की ओर। टाटा की अल्ट्रोज आप देखिए दोस्तों कैसी दिखती है। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ गाड़ी को सामने से आपको गाड़ी के अंदर हेलोजन बल्ब मिलने वाले हैं। हेडलाइट के अंदर टाटा की ग्रिल बहुत ही शानदार होती है दोस्तों, कोबरा ब्लैक कलर के अंदर आपको गाड़ी की ग्रिल नज़र आएगी। नीचे आपको ब्लैक कलर के अंदर रेडिएटर ग्रिल मिलेगी, बीच में आपको नंबर प्लेट की जगह गाड़ी के अंदर मिलने वाली है। और साथ साथ में आपको दिखाता हूँ दोस्तों गाड़ी की जो साइड प्रोफाइल है बहुत ही शानदार है, बहुत ही कमाल की है। देख सकते हैं आप गाड़ी का जो साइड मिरर है वो भी आपको कोबरा ब्लैक कलर के अंदर मिलने वाला है। तो अब आपको लेके चलता हूँ दोस्तों गाड़ी के ठीक पीछे, यानी बैक प्रोफाइल गाड़ी की। पीछे से गाड़ी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कमाल का इसका डिज़ाइन बनाया गया है दोस्तों। पीछे आपको नाम दिखेगा अल्ट्रोज, इसी के साथ साथ में टाटा का आपको यहाँ पर लोगो भी नज़र आएगा। तो पीछे का जो ओवरऑल इस गाड़ी का डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, गाड़ी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये। और टाटा की सबसे ज़्यादा बिक्री भी दोस्तों इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा है, टाटा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक ये गाड़ी है। और पीछे आपको दो सेंसर इस गाड़ी के अंदर मिलने वाले हैं। टेल लैंप के अंदर आपको ये जो डिज़ाइन नज़र आ रहा है दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाया गया है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको दिखाते हैं गाड़ी का इंटीरियर। एक्सटीरियर तो कमाल का है ही टाटा का, लेकिन अब गाड़ी के अंदर आपको इस गाड़ी का इंटीरियर भी दिखाने वाला हूँ। तो गाड़ी को हमने ओपन किया है और सबसे पहले गाड़ी का जो खिड़की है, जो डोर है वो देखिए दोस्तों। यहाँ पर आपको गाड़ी के जो पावर विंडो कंट्रोल मिलेंगे, बटन मिलेंगे आपको, और यहाँ पर एक आपको बटन मिलेगा दोस्तों जो आप साइड मिरर को कंट्रोल कर पाएंगे। और गाड़ी की खिड़की को खोलने के लिए आपको यहाँ पर एक हैंडल मिल जाता है, इसी के साथ साथ में एक ट्विटर का ऑप्शन मिलता है, नीचे एक स्पीकर का ऑप्शन आपको मिलेगा, थोड़ा स्पेस आपको यहाँ मिल जाएगा दोस्तों जिसके अंदर आप बोतल तो नहीं रख सकते लेकिन कुछ आप सामान इसके अंदर रख सकते हैं। ड्यूल टोन कलर के अंदर गाड़ी का इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है, अंदर से गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है दोस्तों। गाड़ी का डैशबोर्ड वाकई ही देखने लायक है दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो बनाया गया है, देख सकते हैं आप साफ साफ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है दोस्तों गाड़ी दिखने में। और गाड़ी की जो सीट है वो भी फैब्रिक के अंदर है और बहुत ही खूबसूरत शानदार तरीके से डिज़ाइन की गई है दोस्तों। यहाँ पर आपको गाड़ी की जो सीट है उसको यहीं से आप कंट्रोल कर पाएंगे और मैन्युअली आप कंट्रोल कर पाएंगे। और आपको बता देता हूँ दोस्तों इस गाड़ी का जो वेरियंट है ये भी सेकेंड बेस वेरियंट गाड़ी है दोस्तों, इससे नीचे एक वेरियंट आता है जो बेस वेरियंट है और बेस से ऊपर वाला ये वेरियंट है दोस्तों, सेकंड बेस ये वेरिएंट रहने वाली है। इस गाड़ी का नाम है टाटा अल्ट्रोज XM प्लस, यानी XM प्लस ये वेरिएंट रहने वाली है। 1.5 के साथ में ये गाड़ी आपको मिलेगी। अब आपको दिखाता हूँ दोस्तों गाड़ी अंदर से कैसी दिखती है। गाड़ी के अंदर मैं आ गया हूँ, गाड़ी का डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक स्क्रीन मिल जाती है दोस्तों 7 इंच की, और इसके नीचे आपको यहाँ पर गाड़ी के अंदर आपको एसी के वेंट मिलेंगे, वो भी आपको क्रोम फिनिशिंग आपको हर जगह गाड़ी में देखने को मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर अल्ट्रोज का नाम लिखा है और यहाँ नीचे आपको एसी के बटन मिलेंगे, एसी कंट्रोल आपको यहाँ से करना होगा। इसके बाद आपको एक पावर सॉकेट यहाँ मिल जाता है, मोबाइल को चार्ज करने का ऑप्शन मिलता है, 5-स्पीड मैनुअल गियर दोस्तों इस गाड़ी का रहने वाला है। और इसके साथ साथ में आपको जो दूसरी जो खिड़की है, नेविगेटर सीट जिसको बोलते हैं, उसकी खिड़की आप देख सकते हैं जिसके अंदर आपको एक बटन मिलता है गाड़ी के मिरर को अप डाउन करने के लिए, और साथ साथ में एक ट्विटर ऑप्शन, और नीचे आपको एक स्पीकर का ऑप्शन भी इस गाड़ी के अंदर मिलेगा। यहाँ पर कुछ आपको स्पेस मिलेगा, गाड़ी के अंदर कुछ सामान आप रख सकते हैं। इसी के साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर भी आपको स्पेस मिल जाता है, 2 कप होल्डर आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेंगे। अब आपको लेके चलता हूँ गाड़ी के पीछे, और उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ गाड़ी का MID मीटर। गाड़ी का MID मीटर बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया है दोस्तों, बीच में आपको डिजिटल एक स्क्रीन नज़र आएगी जिसके अंदर गाड़ी की इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी, और आपको माउंटेन बटन दोस्तों इस गाड़ी के अंदर नज़र आएंगे। टाटा की सबसे बेस्ट बात मेरे को यही लगती है दोस्तों, यानी बेस वेरियंट के अंदर भी इतना कुछ मिल जाता है जो सेकेंड टॉप के अंदर भी नहीं मिलता कुछ गाड़ियों के अंदर, लेकिन दोस्तों टाटा सेकेंड बेस वेरिएंट गाड़ी के अंदर भी स्क्रीन देता है। और इसी के साथ साथ में
गाड़ी के अंदर आपको वो सब कुछ मिल जाता है जो एक टॉप वेरिएंट की गाड़ी के अंदर हमें मिलता है। तो सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी में मिलने वाली है दोस्तों। अब आपको दिखाता हूँ पीछे से, इस गाड़ी को हम ओपन करेंगे और दोस्तों गाड़ी की जो पीछे वाली डोर है वो हमने ओपन की है और देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको एक ट्विटर का ऑप्शन मिलता है और हैंडल आपको कोबरा ब्लैक कलर के अंदर मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पर एक बटन मिलता है जिससे आप गाड़ी के मिरर को अप डाउन कर पाएंगे और नीचे कुछ स्पेस मिलता है जिसके अंदर आप अपना मोबाइल भी रख सकते हैं, कुछ सामान यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर एक स्पीकर यानी चारों खिड़की के अंदर आपको गाड़ी के अंदर स्पीकर मिलने वाले हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ में गाड़ी की जो सीट है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से गाड़ी की सीट को डिज़ाइन किया गया है। एक एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, वीडियो के अंदर आपको गाड़ी की सारी डिटेल देने की कोशिश कर रहा हूं। पीछे भी आप गाड़ी के अंदर देख सकते हैं कुछ स्पेस मिलता है जिसके अंदर आप कोई भी सामान अपना रख पाएंगे। अब गाड़ी का जो बूट स्पेस है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ ताकि आपको जहाँ पर भी आप इस गाड़ी को लेके जाते हैं तो कुछ लगेज भी हमारे साथ में रहता है, तो अपने लगेज को रखने के लिए कितना बूट स्पेस इसके अंदर दिया गया है वो आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। दोस्तों गाड़ी का बूट हमने ओपन किया है और बूट के अंदर आपको दिखाता हूं कितना स्पेस मिलने वाला है। और गाड़ी का जो बूट स्पेस है वो 300 लीटर के करीब रहने वाला है, तो सामान भी इस गाड़ी के अंदर अच्छा आ जाता है, यानी जो लगेज होता है हमारे साथ में कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, लंबे ट्रिप पर अपनी गाड़ी को लेके जाते हैं तो सामान भी हमारे साथ में होता है। लगेज को रखने के लिए अच्छी जगह टाटा आपको गाड़ी के अंदर दे रहा है दोस्तों। टाटा अल्ट्रोज के अंदर आपको लगभग 300 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। और नीचे आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर गाड़ी के अंदर स्टेपनी दी जाती है जिसके अंदर अलॉय नहीं होता दोस्तों। रिम के अंदर आपको ये स्टेपनी मिलेगी और यहाँ पर आपको टायर पाना भी इसके अंदर अवेलेबल कराया जाता है। तो जितनी भी एसेसरी है वो आपको इस गाड़ी के अंदर मिल पाएगी दोस्तों। पूरी ओवरऑल गाड़ी आपने देखी, पूरी गाड़ी मैंने आपको दिखाई दोस्तों। अगर आपको गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, आगे शेयर करिएगा, कमेंट करके आप अपनी राय इन गाड़ियों के बारे में ज़रूर दे सकते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन आपको ज़रूर दबाना है दोस्तों। चैनल पर सब्सक्राइब के साथ साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।